नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 209 डेज का क्लास देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, 209 क्लासेस हो चुके हैं। ये एक्चुअली ये है 209 क्लासेस। तो अगर आप आसानी से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा मेमोरी पावर पर बढ़ाते हुए आप आसानी से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत जरूर करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत कुछ होगा नहीं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो कि नए व्यूअर हैं उनके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो क्या होगा कि जितने सारे वीडियो हैं वो आते रहेंगे, ठीक है, आपके मोबाइल में या जहाँ भी है, आप जिस माध्यम से देख रहे हैं तो इम्प्रेशन आते रहेगा। और घंटी को दबा देने से क्या होगा कि नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वीडियो इस वीडियो में अगर एक भी सेंटेंस फॉर्मेट, एक भी सेंटेंस, एक भी लाइन जो कि आपको कुछ सिखा जाता है, तो आप लाइक जरूर करेंगे, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों स्कूल कॉलेज के बाद जो लोग इंग्लिश में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पिछड़ गए हैं, चाहे लिखने में चाहे बोलने में, तो उनको टारगेटेड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर पिछले वीडियो पे हमारे जाना चाहेंगे इस वीडियो के बाद, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक में आप बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। या नीचे इसी वीडियो में टाइटल है उसके बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, इस तरह का निशान खोलिएगा, तो सारे वीडियो के लिंक आपको वहां से भी मिलेंगे। देखिए, लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में। अगर आपको लिखने नहीं आता है, चाहे आप स्कूल कॉलेज से हों और शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं या लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही जो है एक तरह का अपने आप में लगता है कि अरे ये आता ही नहीं, जबकि ये हमारे चारों तरफ जो है एक, आप कहीं भी देखिए, किसी भी चीज़ पर देखिए, किसी भी चीज़ पर ध्यान जाए, आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। तो क्यों ना इसे हम आसानी से सीख लें, ताकि जो भी दिक्कत होती है वो दिक्कत ना रहे और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए, चाहे वो मेल्स लिखना हो, चाहे व्हाट्सएप करना हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना हो, ट्विटर पे मैसेज करना हो, या फेसबुक पे मैसेज करना हो, कहीं भी, साथ साथ दूसरे के लिखे हुए बात को भी आसानी से समझ पाए कैसे लिखा गया है। और एक और बात दोस्तों, अगर थोड़ा सा जो लिखते हैं, जो लिखा जाता है और उसी पे आप फोकस करेंगे, जैसे कि हमारे सारे वीडियो में जो लिखा जाता है उसी को मैं बोलने के लिए कहता हूँ, अगर बार बार आप उसको रिपीट करेंगे तो आपको बोलने भी आ जाएगा। जिनको पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है उनके लिए बहुत सारे वीडियोज पहले से ही बना दिए गए हैं, तो बार बार रिपीटेड वीडियो बनाने से अच्छा है कि आगे बढ़ा जाए। हालांकि लोग अभी भी, बहुत सारे लोग जो है पढ़ने से उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, सेंटेंसेस पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब एक्चुअली वर्ड्स, और उनका मीनिंग नहीं पता है। तो खैर, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज हैं और भी आएंगे। तो सब कुछ है दोस्तों एक ही सीरीज में, बिल्कुल मुफ्त फ्री में यूट्यूब पर आपको हर चीज़ फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। अलग से अगर आप कहीं जाते हैं, कोचिंग लेते हैं कहीं, या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो पे करने की ज़रूरत ही क्यों है अगर जब आपको फ्री मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ्री मिल रहा है तो आप इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं दीजिए। तो थोड़ा समझें और अब मेहनत करें। सब कुछ इजी स्टेप में, क्योंकि ग्रामर का कोई मोटा बुक्स यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, विद सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेट में। और हर एक वीडियो दोस्तों जो मेरे जो होता है जीरो से ही होता है, यानी कि उस वीडियो में जीरो से ही बात की जाती है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट या कहे कोई भी बंदा अगर आए, डायरेक्ट जो है वीडियो को खोलेगा, उसके बाद उसके उसे जो उस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सीखने में विश्वास करते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे किसी से कुछ भी पूछेंगे, कैसे किसी से कुछ बोलेंगे, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज है। बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन प्रश्न कैसे करना है ये इसी पर फोकस करके जो है वीडियोस आ रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट चार्ट है। हालांकि सब्जेक्ट चार्ट से कोई लेना देना नहीं इस वीडियो में, फिर भी ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर याद हो जाता है तो लिखने का झंझट भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये सिंगुलर नंबर या प्लुरल नंबर है, अब थोड़ा समझना भी जरूरी है। ग्रामर नहीं है, लेकिन फिर ग्रामर का सारी बात, आई है, आई का प्लुरल बी होता है। इन दोनों को हम लोग दोस्तों बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो है बहुत ही फर्स्ट पर्सन, जाहिर सी बात है प्रथम पुरुष। ये यू है और यू इसे बोलते हैं सेकंड पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है, इन सारे को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे यानी जितने भी आप सब्जेक्ट बनाए इसके बाद भी वो थर्ड पर्सन में आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि
ये बाकी के जो रेस्ट है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन है इसमें देखिए, ये जो है नाम जो है रमेश, एक नाउन है, बाकी के सारे ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन नाउन के बदले में जो वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं हिंदी में सर्वनाम, और ये नाउन है तो नाउन बार बार नाउन नहीं नाम नहीं ले सकते, इसलिए ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात की, इतना ही नहीं इसके बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात की, देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ कि सेंटेंस जो होता है चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो और इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है 8 तरह के होते हैं, यानी कि डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है WH क्वेश्चन। सिंपल तरीका है, आप सब बातों थोड़ा सा जो यहाँ ग्रामर की बात थी मैंने यहाँ कह दिया, और ये जो सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर है ये किसके साथ लगेगा ये सारा कुछ आप समझ में आ जाएगा अगर पहले के वीडियो देखेंगे या इस वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और देखिए आज जो है मे विद द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि मे का इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ, और ये 8 टाइप के होते हैं। अब देखिए सिंगुलर नंबर भी होता है यानी कि SL नंबर, और प्लूरल नंबर होते हैं यानी कि PL नंबर। यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर नंबर से काम चला लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बार बार की सेंटेंस को लिखना सिर्फ हिंदी में अंतर होता है, तो हिंदी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो आइए पहला सेंटेंस पे जाते हैं, और पहला सेंटेंस है हु मे गो। देखिए हु मे गो, इसे अपर सिंगुलर में भी हु मे गो और प्लूरल में भी यानी कि बहुवचन में भी हु मे गो ही लिखेंगे। अब ये गो है, गो की जगह आप कुछ भी लिख लीजिए, डांस लिख लीजिए या क्राई लिखिए, कम लिखिए, लाफ लिखिए, मेक लिखिए, कुछ भी जो भी आपको पता है वर्ड मीनिंग है, एक्चुअली वर्ब प्रिंसिपल वर्ब और वो भी प्रेजेंट का, तो आप सिंपल वे में जो है तरह तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि कौन आ सकता है, तो हु मे कम। अब देखिए मे का इस्तेमाल जो प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेस एक तरह से रहते हैं, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि सियोरिटी है लेकिन उतना नहीं है परमिशन, यानी कि मे आई, जैसे आप एक सब एक फेमस सेंटेंस है मे आई कम इन सर, सभी लोग इससे अवगत होंगे, तो मे आई कम इन सर मतलब पूछा जाता है, लेकिन अब वो परमिशन मिलेगा अंदर आने का कि नहीं मिलेगा, तो मे का लगा कर मे जो है मे का मे मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ है, खैर सिंगुलर नंबर में हु मे को कौन जा सकता है, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो लिखा ही जाएगा हु मे को, और हिंदी में कौन जा सकते हैं, देखिए यहाँ सब जगह प्लूरल जो रहेगा वहाँ पर आप ध्यान देंगे कौन जा सकते हैं हो जाएगा, ठीक है। तो यह में बिंदु हो जाएगा यहाँ, तो समझ में आ जाएगा कि तो कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अब देखिए इसका ये तो है इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगा हुआ, तो इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस 4 तरह का मैंने बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव है, और यहाँ तक नॉट लग गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। हु मे नॉट गो, अब यहाँ भी हिंदी इसका दोस्तों कौन नहीं, ठीक है, कौन नहीं जा सकता है। अगर प्लूरल में बात करेंगे तो हु मे नॉट गो का हो जाएगा कौन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा इंट्रोगेटिव लेते हैं, तो ये देखिए वाई, वाई मे गो क्यों जा सकता है, वाई मे गो कौन क्यों जा सकता है, अगर प्लूरल में लेंगे तो वाई मे गो क्यों जा सकते हैं, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नॉट लग के, वाई मे नॉट गो क्यों नहीं जा सकता है, और या प्लूरल में क्यों नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मे गो, कैसे जा सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कई बार कैसे जा सकता है भाई, तो रोज बोलते हैं आप प्रतिदिन दिन ब दिन कुछ ना कुछ जो है ये क्वेश्चंस आप बोलते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं तो पहले पहले किसी ना किसी को क्वेश्चन ही करते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पूछने का आदत, तो आप पूछने का आदत बनाइए इंग्लिश में, और कुछ ना कुछ जरूर पूछिए सिंपल तरीके से, क्योंकि अगर इंग्लिश सीखना है तो धीरे धीरे सिंपल सिंपल बोलते रहिए, एक बार खुद आएगा कि भारी भारी आप बोल पाएंगे। अब देखिए इसका नेगेटिव देखिए,
या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हाउ मे नॉट गो, यानी कैसे नहीं जा सकता है, कैसे नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब आइए यहाँ तीन हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब देखिए चौथा व्हाट मे गो, क्या जा सकता है, क्या जा सकता है, अगर प्लूरल रहेगा, प्लूरल अगर रहेगा ठीक है तो जा सकते हैं हो जाएगा, क्यों जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जा सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा नॉट लगाने से। व्हाट मे नॉट गो, क्या नहीं जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। हुम लगाते हैं, किनको जा सकता है, यानी किनको जा सकता है, हुम मन किस एक्चुअली किनको किसके होता है ठीक है, तो ये दोनों यूज होता है, किनको जा सकता है, थोड़ा सा भाव हमेशा लेंगे। हुम मे नॉट गो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कौन किनको नहीं जा सकता है, किनको नहीं जा सकते हैं ठीक है। अब देखिए विच मे गो, कौन जा सकता है भाई, कौन जा सकता है, कौन जा सकते हैं। विच मे नॉट गो, कौन नहीं जा सकता है, कौन नहीं जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वेयर मे गो, कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, और ये अगर प्लूरल होगा इसका दोस्तों तो प्लूरल में हो जाएगा कहाँ जा सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, देखिए वेयर मे नॉट गो, कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकते हैं। वेन मे गो, कब जा सकता है, कब जा सकता है, कब जा सकते हैं। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है नॉट लगने से, कब नहीं जा सकता है, कब नहीं जा सकते हैं। इसके बाद है हुज मे गो, यहाँ पर हुज मे गो है तो वो छूट गया है। अब देखिए हुज मीन्स किसका होता है, किसका जा सकता है, किसका जा सकते हैं। हुज मे नॉट गो, किसका नहीं जा सकता है, किसका नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही कम समय में से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, ये जो गो है गो के जगह आप दूसरा वर्ब लगाइए, या दूसरा वर्ब का मतलब है कि क्रिया लगाइए, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना सोना, लड़ना मारना, खाना, तो कुछ भी इसका इंग्लिश मतलब एक्चुअली लगा लीजिए। और आप पूछिए हर एक, आपके पास बहुत सारे जो है सेंटेंस आपको मिल जाएंगे बोलने के लिए। तो बस याद करना है क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि आठ होते हैं, बस लगाना क्या है आप तो समझ ही रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, अगर एक लाइन भी आप सीख पाए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिए सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।